इस कार्यक्रम के प्रायोजककर्ता हैं कमला पसंद अनोखा स्वाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है लखीमपुर कांड, प्रशासन हलकान। जी हाँ, लखीमपुर कांड है और ये इतना सेंसिटिव कांड है कि इससे प्रशासन परेशान हो गया है। प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे का है, और बेटे से बढ़कर कौन हो सकता है एक बाप के लिए। तो ये और पुलिस करे तो क्या करे, प्रशासन करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा। 5 दिन हो गए आज तक आशीष मिश्रा का कहीं पता नहीं चला। कभी पता चलता है कि वो नेपाल भाग गए और कभी कुछ पता नहीं चलता है। पुलिस बचाने में कोशिश कर रही है और विपक्ष के दबाव में फंसाने की भी कोशिश कर रही है। तो ये बड़ा मुश्किल है उसके लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रशासन हलकान है कि आखिर वो करे तो क्या करे। दबाव इतना ज़्यादा है विपक्ष का, सिद्धू भी चले जा रहे हैं, प्रियंका भी वहाँ पर हैं, राहुल भी हैं, अखिलेश भी हैं, सारे नेतागण आपके लखीमपुर पहुंच रहे हैं। जबरदस्त तरीके से दबाव बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, तमाम कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन मुद्दा है कि डाइवर्ट होने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष अड़ गया है, किसान अड़ गए हैं कि पहले मुख्य जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करो और उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार करो, उसके बाद ही कोई बात बनेगी, नहीं तो कोई बात बनने वाली नहीं है। लेकिन इधर 5 दिन से आशीष मिश्रा गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री लखनऊ में थे, मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे थे, उस मीटिंग में भी गए थे, हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं किया, लेकिन कह रहे हैं कि कल उनका बेटा ज़रूर पेश होगा और अपनी सफाई करेगा देगा। वो अभी भी कह रहे हैं कि मेरा बेटा और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, दूर दूर तक हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। लेकिन विपक्ष है कि मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष कह रहा है नहीं, सारी जिम्मेदारी आपकी है, आपका जो बयान था उसने इसमें आग में घी डालने का काम किया है और आपने ही ये सारा कांड करवाया है, इसके जिम्मेदार आप ही हैं। अब सवाल उधर, सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कटघरे में खड़ा कर रहा है सरकार को और बता रहा है कि क्या 302 के मुकदमे में इसी तरीके से पैरवी होती है, क्या 302 के मुलजिम को आप इसी तरीके खुला छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो सरकार करे तो क्या करे अब और प्रशासन क्या करे, उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का एक पूरा खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं कि अभी तक का जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो रिपोर्ट देखिए। प्रशासन के लिए गले की फांस बना लखीमपुर कांड। नोटिस चस्पा के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं हाजिर हुआ गृह राज्य मंत्री का बेटा। भाकियों के तल्ख तेवर, बेटा हो गिरफ्तार, मंत्री दे इस्तीफा। लखीमपुर कांड, क्या करे प्रशासन। लखीमपुर कांड को लेकर देश में सियासी पारा गर्म है, आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर हैं, जिसको लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। सभी राजनीतिक दल और किसान मोर्चा गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा और बेटे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लखीमपुर घटना में पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच ने गृह राज्य मंत्री के बेटे को बुलाया था, लेकिन वो नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने दोबारा नोटिस चस्पा किया और आशीष मिश्रा को अल्टीमेटम भी दे दिया। वहीं दूसरी तरफ दूसरा नोटिस चस्पा होने के कुछ घंटे बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा खुद लखनऊ पहुंच गए और वो बीजेपी कार्यालय चले गए। आशीष मिश्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरा बेटा निर्दोष है और उसकी तबीयत खराब है, शनिवार को वो पूछताछ के लिए आएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा घटना स्थल पर होता तो सबसे पहले उसी की हत्या हो जाती,
अभियोग है, सीडीआर की लोकेशन भी है, सीडीआर से लोकेशन क्लियर हो जाती है पूरी तरह से। हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जा करके कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है वो कहीं गए नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। लखीमपुर खीरी सियासत का केंद्र बना हुआ है, सियासी दलों का दौरा लगातार जारी है, तकरीबन सभी दल लखीमपुर खीरी संजीवनी लेना चाहते हैं। बहराइच पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी जांच कांड पर नाराजगी जाहिर की है। आनंद फानंद में दो गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने कहा है कि घटना की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश को और प्रदेशवासियों को जरूर दिलाना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आरोपी की गिरफ्तारी हो, गृह राज्य मंत्री इस्तीफा दे, नहीं तो सरकार का मुआवजा वापस कर दिया जाएगा। जो वहां पर घटना किसानों के साथ में हुई उसके दोषी दोनों बापू बेटा हैं, 120B के मुलजिम है, कत्ल की धाराएं उन पर लगी हुई है, उनको गिरफ्तार करो। 302 तक की लग रही उन पर धाराएं, उनको गिरफ्तार करो। नहीं गिरफ्तार कर तो जो प्रशासन कैसे करता है तो उसका इस्तेमाल करें। हम 12 तारीख तक करेंगे, 12 तारीख को मीटिंग है, उसमें अगला फैसला देंगे हम। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर प्रशासन चौतरफा घिर गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है तो दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होना प्रशासन के लिए जी का जंजाल बन गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अंदर खाने से क्या खबर आती है, क्योंकि बेटे की गिरफ्तारी के पहले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखनऊ में टहल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो क्या करेगी सरकार, क्या करे प्रशासन? प्रशासन हलकान है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। बहुत ही संजीदा मामला है। हालांकि न्यायिक जांच के लिए कमेटी एक बना दी गई है और वो शुरुआत अपनी जांच कर देगी, लेकिन सवाल यही है कि अब विपक्ष अल्टीमेटम दे रहा है और खासकर किसान नेता राकेश टिकैत अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 12 तारीख तक इंतज़ार करूंगा और 12 तारीख के बाद फिर मुझसे मत कहना, फिर आंदोलन शुरू हो जाएगा। अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, बहुत स्वागत है आपका शबनम पांडे जी। अनिल झा साहब जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका स्वागत है। और मुकेश सोलंकी जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है मुकेश जी। आसिफ रिजवी साहब भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से उदय यादव जी भी जुड़ गए हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुख करेंगे शबनम पांडे जी का। शबनम पांडे जी, क्या करेगी सरकार और क्या करेगा प्रशासन? देखिए, निश्चित तौर पे जो लखीमपुर में घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत दुखद है, और सरकार उन पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और निष्पक्षता के साथ जांच होगी और जो भी दोषी होगा, कौन किसका बेटा है कौन किसका बेटा नहीं है, ये हमारी सरकार नहीं देखती है। आपने देखा
कि कोरोना काल में हमारे मुख्यमंत्री जी के पिताजी के देहांत होता है, पर वो और प्रदेश की जनता की सेवा में उस जगह को अपने काम को छोड़कर नहीं जाते, प्राथमिकता में देश प्रदेश की जनता को रखते हैं। तो ये एक ऐसी सरकार है जिसमें कोई किसी का बेटा रिश्तेदार किसी भी होने की वजह से उसे बख्शा नहीं जाएगा अगर वो दोषी पाया गया। लेकिन अब तक कोई भी फुटेज, जबकि किसी भी फुटेज की मैं ऑथेंटिसिटी नहीं बोल सकती क्योंकि वो फुटेज किसी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं आया, लेकिन कोई भी फुटेज में अब तक इस तरीके का नहीं दिख रहा है। ये पूरी तरीके से विपक्ष अपनी कोरी राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक संजीवनी बूटी मिल गई है इस चुनाव में चुनाव जीतने का, पर शर्म आती है ऐसी विपक्ष पे, जो विपक्ष केवल ये देखती है किस तरीके से हम कॉन्स्पिरेसी करके किसी के खिलाफ बोले, और वो अपने आप जजमेंट भी दे रहे हैं। सारा विपक्ष एकजुट होके जजमेंट दे रहा, वो था और वो नहीं था। लेकिन उन्हें सब्र करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद करती हूँ कि सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है उसने, और उसके तहत देखिएगा जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, चाहे कोई हो। हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें रिश्तेदारी नातेदारी या परिवारवाद की कोई जगह नहीं है, और कोई सगा से सगा अगर होगा तो उसे कठोरतम उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष को भी ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करता, वो हमारे संवैधानिक व्यवस्था पे भरोसा नहीं करता, और बगैर किसी सबूत बगैर किसी ऑथेंटिक प्रूफ के वो लगातार किसी का नाम लेते हैं किसी के लिए। ठीक है सपनम पांडे, बिना किसी सबूत के मैं आपको दो तीन चीजें करेक्ट कर दूं। एक तो आपने कहा, हालांकि मेरी आदत नहीं है मैं सबको पहले बोलने का मौका देता हूं, आसिफ जी के पास जाऊंगा, लेकिन सपनम पांडे जी दो चीजें हैं। एक तो ये कि नाथ संप्रदाय का ये नियम होता है कि उनका कोई परिवार नहीं होता है। अगर पिता का देहांत हो गया था तो योगी जी इसलिए नहीं गए कि काम बहुत कर रहे थे, बल्कि इसलिए नहीं गए क्योंकि नाथ संप्रदाय में किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं होती है, पहला नंबर। करेक्शन नंबर दो, ये जो वीडियो रिलीज किया है ना उसकी ऑथेंटिसिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि राज्यसभा सांसद ने उस वीडियो को रिलीज किया है और उनकी ये जिम्मेदारी है। अगर वो इस तरह के कर रहे हैं तो वो गैर जिम्मेदाराना काम कैसे कर सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और मैं आपसे इस सब चीजों का जवाब लूंगा। लेकिन इससे पहले आसिफ रिजवी साहब के पास चलेंगे। आसिफ रिजवी साहब, मुख्यमंत्री वार कर रहे हैं, आप लोग पलट वार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हमने जितना मैक्सिमम कर दिया, इतना क्या कभी होता है? एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ 120 बी और 302 के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, न्यायिक जांच की मांग थी, न्यायिक जांच हो रही है, सारा मुआवजा तुरंत मिल गया है, नौकरी मिल गई है, और क्या चाहिए आपको? आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो कहते थे कि विपक्ष सो रहा है। आज जब ये अन्याय कर रहे हैं, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की हत्याएं कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इन्होंने किसानों की हत्या नहीं करी है, इन्होंने देश की आत्मा की हत्या करी है। इनके मंत्री का बयान आया कि होम मिनिस्टर का बयान आया कि किसान हाथ में तलवारें लिए हुए थे, पत्थर मार रहे थे। वीडियो सामने आ गई, ना किसानों के पास तलवारें थी ना वो पत्थर मार रहे थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से वापस अपनी तरफ जा रहे थे और पीछे से गाड़ियां आई और गाड़ियों के ऊपर चढ़ाती हुई चली गई। यानी ये सोझी समझी साजिश थी, हत्या थी। और ये कह रहे हैं ऐसा सरकार काम कर रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, 160 का नोटिस दिया है पुलिस ने, 160 का नोटिस गवाह को दिया जाता है, मुलजिम को नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 302 के मुलजिम को आप नोटिस दे रहे हो, 302 के मुलजिम को नोटिस दी जाती है। और ये कह रही है कि सरकार अपना काम कर रही है। बताइए, गोरखपुर के हथियारों को पकड़ा गया, पुलिस वाला कोई गिरफ्तार हुआ? ये कह रहे हैं पुलिस अपना काम कर रही है। एक भोपा में एक व्यापारी त्रिपाठी जी की हत्या वहां के एसएसपी ने करा दी, वो एसएसपी 2016 बैच का एसएसपी था, उसको चार्ज नहीं मिलना चाहिए था, गुजरात का आईपीएस था, लेकिन उसको यूपी ट्रांसफर किया गया, ठीक है, मनीलाल पट्टीदार को, और यूपी में उसको चार्ज दिया गया और उसने व्यापारी त्रिपाठी जी की हत्या कर दी। 2 साल से फरार है वो, आज तक इनकी पुलिस पकड़ पाई? योगी जी को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ठीक है, ठीक है आसिफ जी, आपका
अलॉटेड टाइम समाप्त हो गया है, दोबारा से आपको इसमें शामिल करेंगे चर्चा में। अनिल झा साहब के पास चलते हैं। अनिल झा साहब, क्या कहेंगे आप, पहली आपकी पहली प्रतिक्रिया? प्रदीप जी, पहली प्रतिक्रिया और आखिरी प्रतिक्रिया इस सरकार के, सरकार में बैठे हुए जो अंधे लोग हैं, बहरे लोग हैं, जिनको ना ममता है ना दया है, जिनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता, जिनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए आखिरी और पहली शब्द या प्रतिक्रिया कहने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि एक धृतराष्ट्र वो था जो अपने बेटे को कुकर्म और असत्य के रास्ते पे जाते हुए उसको बढ़ावा देता था, और आज के डेट समय में वही एक हत्यारा पिता है जो हत्या के मुकदमे में बेल पे बाहर है और अपने बेटे को हत्या करते हुए देखा, उसके बाद भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। चलिए वो पिता है, आपने भी कहा कि पिता है, हर पिता अपने बेटे को गलत और सही में बढ़ावा देता है या उसका प्रोटेक्शन करता है, बट ये सरकार जो बड़े बड़े दावे अभी 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 आपने देखा, आपने खंडन कर दिया कि वो उनके नाथ संप्रदाय में परिवार से मतलब नहीं होता है, उनका भी वो जो है वाहवाही ले रहे हैं कि वो नहीं गए, और एक एक ऊपर बैठे हुए हैं जिनके 85-90 वर्ष की माता जी हैं, जो अपने माँ को रख नहीं सकते लेकिन फोटो खिंचवा सकते हैं। देखिए, ये वो सरकार है जहाँ पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब के सब असत्य को और गलत को साथ दे रहे हैं। इस सब लोग सब आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये लोग निर्लज्ज लोग हैं, ये सुबह क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, इनको खुद ही नहीं पता है। ये टीवी पे आके क्या बोलते हैं, अभी कह रही है कि वो विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे भाई, विपक्ष को राजनीति करने का मौका तो आपने दिया, ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि विपक्ष राजनीति ना करे तो आप उसके जेल में डालिए। अनिल झा साहब, अनिल झा साहब, एक मिनट का समय मैं देता हूं, और एक मिनट से बहुत ज्यादा का समय हो गया आपका, आएंगे आपके पास दोबारा से। मुकेश सोलंकी जी, आपके पास आ रहा हूं। सरकार कह रही है कि सब कुछ तो दे दिया, मुआवजा दे दिया, और बेटे के खिलाफ में 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया, सारा चीजें तो हो गया, अब क्या परेशानी है, न्यायिक जांच हो रही है? दरअसल मैं शबनम पांडे जी को सुन रहा था, इन्होंने ये कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए। अब एक बात बताओ, पिछले 11 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कितना धैर्य रखें, और हर चीज में इस सरकार की, सुप्रीम कोर्ट जब तक दखलंदाजी नहीं करती है इनके कान पर जूं नहीं रेंगती है, जब सुप्रीम कोर्ट इनको धमकाती है तब ये चलते हैं, तो कितना धैर्य रखें। स्पष्ट दिखाई दे रहा है वीडियो में कि उनको जान पूछ के हिट किया गया है, आराम से चलते हुए किसानों को, जो बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें और क्या किया जाए। और देखो, अपराधियों को तो ये किस तरीके से पकड़ते हैं, और जो एक मंत्री का बेटा है उसको अभी तक नहीं पकड़ पाए, पिछले 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए आज, तो ये कहाँ का, मतलब क्या उम्मीद की जा सकती है इनसे, कितना धैर्य रखा जा सकता है। तो सब्र का बांध तो ये खुद तोड़वा रहे हैं जी, सब्र का बांध तो ये खुद तोड़वा रहे हैं। ठीक है मुकेश जी, सब्र का बांध टूटवा रहे हैं। उदय जी के पास चलेंगे। उदय यादव जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आपकी, बड़ा मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है प्रशासन के लिए, क्योंकि एक तरफ गृह राज्य मंत्री का बेटा है, खुद गृह राज्य मंत्री है, और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष का इतना दबाव। देखिए, सारी जांच एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंडर में आती हैं, और जब गृह मंत्री का ही बेटा फंसा हो तो पुलिस कैसे काम करेगी, स्वाभाविक है कि उस पर भारी दबाव है, ये अपने आप में स्पष्ट है। मंत्री जी ने आज कहा कि उनका बेटा घर पर है, वो कहीं गया नहीं, जब वो घर पर है तो 302 का आरोपी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई, सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी पर फटकार लगाई है। बात बड़ी साफ है कि पुलिस डर रही है, बच रही है, प्रेशर में काम कर रही है। भाई, आप देखिए कि 27 सितंबर को गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या होती है और आज तक पुलिस वाले नहीं पकड़े गए, इसका क्या मतलब है कि उन्हें बचाया जा रहा है, उन पर काम वो जिस तरह से पुलिस को विभाग को लेना चाहिए अपनी छवि बचाने के लिए, वो उस तरह नहीं हो रहा है, इसीलिए सवाल उठ रहा है, इसीलिए विपक्ष आक्रामक है। अगर पुलिस सीधे सीधे तुरंत कार्रवाई करे, आरोपियों को जेल भेजे, तो किसी को बोलने का अवसर ही ना मिले। भाई, शबनम पांडे जी कह रही है थोड़ा धैर्य रखिए, और सारा काम नियमानुसार हो रहा है, भाई हो कहाँ रहा है जी, काम हो कहाँ रहा, दिक्कत है ये। शबनम पांडे जी, सवाल कहीं है, सवाल ये है, एक आम आदमी अगर मास्क नहीं लगाता है, सीट की बेल्ट नहीं लगाता है, तो पुलिस वाले ऐसा झपटते हैं जैसे लगता है 302 का मर्डर करके आया है।
और यहाँ 302 का मर्डर का मुलजिम कहीं पता नहीं चल रहा कहां पर है वो, 5 दिन से पुलिस खाक छान रही, उसको मिल ही नहीं रहा है। प्रदीप जी, कोई मास्क नहीं लगाता और सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो उसी की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले करते हैं, और ये पुलिस वालों का ये भी काम है। बहुत है और अभी हमारे सपा के साथी कह रहे थे पुलिस वाले सुरक्षा के लिए तो झपटते हैं। शबनम पांडे जी, पुलिस वाले सुरक्षा के लिए ऐसे झपटते हैं जैसे लगता है चंबल का कोई डाकू आ गया। प्रदीप जी, अगर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे बेहतरी के लिए कोई हमें है, तो उसको हम चंबल का डाकू नहीं कहेंगे। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं सपा के साथ दूर में जो गरीब व्यक्ति होता है उसके ऊपर पुलिस वाले ऐसा झपटते हैं कि जैसे वो चंबल का डाकू है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे गोरखपुर में उस व्यापारी की हत्या हुई उसके ऊपर ऐसा टूट पड़े कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुल्म किया है व्यापार करके। प्रदीप जी, मैं या तो बोल लूं या तो फिर आप प्रश्न कर लें, क्योंकि आप बोलने के लायक हैं नहीं, रहेंगे तो मैं जवाब कैसे। नहीं नहीं सबनम जी, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया ना, आप सवाल जवाब का भी समय, आप अपना जवाब रख सकते। आसिफ रिजवी जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा सवाल करने का, जवाब लेने का, लेकिन पहले शबनम जी को अपनी बात रख लेने दीजिए। हाँ शबनम जी। प्रदीप जी, सपा के हमारे साथी कहते हैं कि सरकार ने मौका, हमें राजनीतिक मौका दिया इसमें। देखिए, 8 व्यक्ति की मौत कोई राजनीतिक मौका नहीं होता है, इनको ये समझना होगा। इनके मुंह से खुद ही निकलता है कि इन्हें राजनीतिक मौका मिला। ये आप समझिए, सोचिए लाशों पे राजनीति का मौका ढूंढ रहे विपक्ष। ये तो कहेंगे कि जो किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और प्रशासन ने मिलकर जिस तरीके से वहाँ शांति और सद्भावना का माहौल बरकरार करने में मदद की है, और यही वजह है कि आज कहीं ना कहीं विपक्ष बौखलाया हुआ है। विपक्ष को लग रहा है विपक्ष बौखलाया हुआ है। आपका मंत्री कह रहा है कि वहाँ सब खुश हैं, आपके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि वहाँ सब खुश हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि 8 लोगों की मौत पे आप कहते हैं कि वहाँ सब खुश है। समझौता हो गया, किस बात का समझौता? आपके परिवार ने किसी की हत्या कर दी है, अब समझौता होगा? इस बात का जवाब दीजिए, आपके परिवार में किसी की हत्या हो जाए तो क्या आप समझौता करेंगी? कितना लगना चाहिए अपने परिवार के आदमी को? शर्म नहीं आ रही है, घटिया सी बातें कर रही है। आपके कहने का मतलब क्या है? समझौते का मतलब आपके परिवार में किसी की हत्या हो जाए, आप समझौता करेंगे? आपके परिवार के लोगों की क्या कीमत है? शबनम जी, विधायक सांसद सब और कहते हैं कि नाथ संप्रदाय में ऐसा, समाजवाद में भी है कि परिवारवाद नहीं किया जाता। शबनम जी की गाड़ी में नहीं, पर आप, अरे आप अभी अभी लखीमपुर पे इस पर बात करिए, लखीमपुर की घटना पे। आपका मंत्री जब तक पद पे रहेगा तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मंत्री का इस्तीफा लीजिए। और ये क्या बार बार आप कह रही हैं कि आपने जो है हर्जाना दे दिया? क्या हर्जाना दिया आपने? आप बताइए, आपके परिवार में कोई मरेगा कितना पैसा लेंगे? ठीक है आसिफ रिजवी जी, आसिफ रिजवी जी और शबनम पांडे जी, आप दोनों को रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक हम पे जाना हमारी मजबूरी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री वार कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष पलटवार कर रहा है, और ये वार पलटवार का सिलसिला पिछले 5 दिन से लगातार जारी है। प्रशासन को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो क्या करे। प्रशासन हलकान है और मुश्किल ये है कि एक तरफ उसके लिए कुआं है, दूसरी तरफ उसके लिए खाई है, आखिर वो किधर जाए? चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूं और 21 किलो 700 ग्राम चावल, एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो
किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवम्बर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। आसिफ रिजवी जी, आप सवाल पूछ रहे हैं शबनम पांडे जी से, पलटवार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, न्यायिक जांच की आपकी मांग थी, न्यायिक जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, सारी चीजें तो आपकी मांग पूरी हो गई है सिर्फ एक के सिवा, तो आखिर आपको समय तो थोड़ा देना ही पड़ेगा ना। वीडियो वायरल हो चुका है, साफ साफ दिख रहा है कि पीछे से गाड़ी चल रही है। हमारा सवाल ये है कि योगी सरकार जब अपने उस SSP को मणिलाल पट्टीदार को गिरफ्तार कर नहीं कर पाई जिसने त्रिपाठी जी की मोहब्बत में हत्या करी, अपने उन पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। आसिफ रिजवी जी, मैं वापस लखीमपुर की डिबेट पर आता हूँ, पट्टीदार पर बात नहीं कर रहा हूँ। सवाल ये है, जो वीडियो वायरल हो रहा है ये ठीक बात है कि संजय सिंह ने वो वीडियो वायरल किया है, लेकिन उसकी सत्यता की जांच भी तो करनी पड़ेगी ना। जब इतनी चीजों पे कुछ नहीं कर पाई तो आप बताइए मंत्री के गृह मंत्री रहते हुए निष्पक्ष जांच कैसे होगी। सबसे पहले तो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अगर इस देश में मोदी जी के अंदर हल्की सी भी इंसानियत बची है। जांच तो होनी चाहिए ना, इस्तीफा दें, पहले जांच तो होने दीजिए। अगर उसमें कोई आपको शक नजर आए, आसिफ जी सर आप ये मुझे बताइए, अगर निष्पक्ष जांच ना होती तो पुलिस वो 2 खोखे ना बरामद करती, पुलिस कह रही कि गोलियां चली है, वो गोलियां गायब कर देती। पुलिस ने 160 का नोटिस दिया है ना, जनता ने बता के दिया है, वो वीडियो लाने पर पुलिस कह रही है घर में बैठा लेटा सो रहा है AC के अंदर, अगर मंत्री जी की बात माने, कहीं नहीं पकड़ा गया अभी। और किस बात की जांच, ये बताइए आप, जब बाप के नौकर जांच करेंगे तो क्या बेटे को मुलजिम मानेंगे? बाप मंत्री राय का दरोगा की हैसियत है कि गृह मंत्री के बेटे के खिलाफ जांच करेगी? आप बताइए,
जिस दरोगा की हैसियत है कि गृह मंत्री के बेटे के खिलाफ जांच करेगी? नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन एफआईआर तो हुई ना, ऐसे तो एफआईआर भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखिए 120 बी और 302 के मुकदमा दर्ज किया गया है उसके ऊपर, नहीं किया है तो इस पर तो आपको इत्मीनान होना चाहिए ना कि कार्रवाई हो रही है। शबनम जी, मुकदमा लिख के एहसान नहीं किया, ये उनकी झूठी थी और हमारे गृह मंत्री पे आरोप लगा था, हमने इस्तीफा दिया था। हमारे गृह मंत्री पे आरोप लगा था केवल कपड़े बदलने का, हमने इस्तीफा दिया था। इनके अंदर नैतिकता है तो पहले इस्तीफा दें। मंत्री पद पे रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। मुकेश सोलंकी जी के पास चल रहे, ठीक है, ठीक सब भाई, सरकार रहती है तो कुछ ना कुछ आरोप लगते हैं और जवाब भी दे रहे। शबनम पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ और लोगों को चर्चा में शामिल कर ले। मुकेश सोलंकी जी, आप किसानों को 45-45 लाख रुपया मिल गया, किसानों ने जो जो मांग की थी वो सारी पूरी हो गई। अब आप कह रहे हैं कि हम ये पैसा हमको नहीं चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। अरे किसान के घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पहले तो उसकी माली हालत को सुधारना चाहिए। सरकार ने तो वो काम किया ना। एक बात बताइए, पैसा कभी भी इंसान की पूर्ति तो कर नहीं सकता। जो काम अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको कानून के आधार पर उसको सजा मिलनी चाहिए। जो काम 24 घंटे में हो जाना चाहिए था, 120 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक वो काम नहीं हुआ, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। अरे इल्जाम है, विवेचना होगी, जांच होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगी। यदि आप निर्दोष हैं तो कौन आपको बताएगा? लूट मार रही है लेकिन मैंने पहले दिन कहा था कि यदि गृह मंत्री जी पदमुक्त नहीं होंगे तो जांच कैसे निष्पक्ष होने की उम्मीद करते हैं हम? तो उस जिसका परिवार का बेटा गया है, जिसका पति गया है, आप किस बिना पर कह रहे हैं होगी कि आप गृह मंत्री का इस्तीफा किस बिना पर मांग रहे हैं? अरे गृह मंत्री की गाड़ी थी, आप गृह मंत्री का इस्तीफा किस बिना पर मांग रहे हैं? यदि गृह मंत्री के बेटे अगर गाड़ी के लिए तो ये कहा जा रहा कि आपके जो पुराने नेता है मेयर रहे हैं अखिलेश दास, उनकी गाड़ी थी, उनका उनका भी एक रिश्तेदार उसमें था गाड़ी में। थार गाड़ी गृह मंत्री की थी और माननीय जो नया लॉ बना है उसके हिसाब से, नया जो एमबीएच बना है उसके हिसाब से जो गाड़ी का मालिक है वो मुझे बनेगा। मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा, पकड़ होना चाहिए और जांच अगर सही होती है तो ये तो सरकार को फायदा होगा इसका। क्यों ये सरकार सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद सीधे चलती है? माने पर नए एमबी एक्ट के हिसाब से अगर गाड़ी मेरे नाम रजिस्टर्ड है तो मैं मुलजिम बनूंगा। इनसे पूछो जिनके लोग गए, क्या वो 45 लाख? मैं आपके बता रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपनी बात शबनम पांडे जी से पूछिएगा, ठीक है जी। मुकेश सोलंकी जी, सवाल ये है, आप राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर 12 तारीख तक कार्रवाई नहीं हुई तो वो पैसा वापस कर देंगे, उनको कार्रवाई चाहिए, आपको लगता है ये उचित कदम होगा? अरे भाई सरकार की माली हालत सुधारनी है पहले, जिनके घर कमाने वाला कोई नहीं है। एक बात बताइए, पैसे वाली तो सरकार है, ये तो और को भी बार के पैसे दे देगी, लेकिन पैसा देना क्या उस आदमी की पूर्ति है? क्या उस परिवार को संतुष्टि हो जाएगी? परिवार को संतुष्टि कहीं ना कहीं होगी। यदि कोई हत्यारा है, कोई जुर्म है, कोई अपराधी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं, पैसा तो कहीं से भी मिल सकता है, पैसा तो चंदे से भी मिल सकता है, पैसा देके जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, जिम्मेदारी कभी पूरी होगी तो आपको अपराधी है, एक एक करोड़ रुपया मिल गया, सजा मिलनी चाहिए। 50-55 अपराधी, 50-36 हैं, इसलिए आपको संयुक्त किसान मोर्चा का आप थोड़ा ध्यान रखिए प्लीज, थोड़ा सा जी। 12 तारीख तक यदि इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है और जांच सही दिशा में नहीं जाती है तो हम उनका पैसा देके और फिर अपने आंदोलन के रास्ते पाएंगे जो शांतिप्रिय तरीके से हम पिछले 10 महीने से कर रहे हैं। क्योंकि जब सही दिशा में नहीं होगा, आपने पहले से मन बना लिया है कि सही दिशा का मतलब है कि गृह मंत्री तक आंच आनी चाहिए। ठीक है अनिल झा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात बिल्कुल आनी चाहिए। क्या जिस परिवार का कोई भी बेटा अपराधी हो, कोई बाप अपराधी हो, उस परिवार पे परेशानी नहीं आएगी? तो गृह मंत्री को तो नैतिक आधार पे खुद ही स्वतः ही वो दे देना चाहिए था, पदमुक्त हो जाना चाहिए था।
अरे पूरी भाजपा में नैतिकता है कहाँ? यदि ये सही है तो उनके आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इधर पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि नेताओं में नैतिकता की कोई बात ही नहीं बची है। इतना बड़ा पहले एक रेल एक्सीडेंट हो जाता था, रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था, लेकिन पिछले एक डेढ़ दशक से देख रहे हैं कि कोई नैतिकता की बात नहीं। अनिल झा साहब अपनी बात पूरी कर लीजिए। नैतिकता की बात जी आ रहा हूँ। आसिफ जी आ रहा हूँ जी। अनिल झा साहब, प्रदीप जी देखिए ऐसा है कि एक तो अजय मिश्रा जी जो हैं वो जमानत पे बाहर हैं, और वो भी 302 हत्या के मुकदमा में जमानत में बाहर हैं। उसके बाद वो अपने जनसभा में क्या बातें करते हैं, मैं आपसे एक साधारण सा इंसान होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारे समाज के आपके पड़ोस में, मेरे पड़ोस के कोई आदमी अगर हत्या के केस में जेल में गया हो और बेल जमानत पे कोर्ट उसको जमानत देती है, बाहर आए तो क्या वो दोबारा किसी को मारने की या धमकाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, पुलिस क्या करेगी? दूसरी चीज, उस कॉन्स्पिरेसी को करने के बाद में उसका बेटा, जिसका कि इतिहास रहा है बाप बेटे का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मीडिया चैनल पे आ चुका है और कानून के नज़र में कि जो हिस्ट्री सीटर रहे हैं, क्या क्या हत्या में, एक्सटॉर्शन में, अलग अलग तरह के मुकदमे 10-12 के ऊपर चल रहा है। जब अजय मिश्रा पर 302 का मुकदमा लगा था तब सरकार किसकी थी, वो क्यों बाहर आ गए? अब सवाल यही है, देखिए जब सरकार का काम है, आज यही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार आज बीजेपी के, किसी भी सरकार का काम होता है जो जैसे फर्स्ट एड होता है किसी का, आज सरकार का काम क्या है, FIR दर्ज हुआ है तो उस आदमी को जिसके नामजद FIR है उसको पकड़ के जेल में डालो, उसके बाद न्यायालय का काम है ना, चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर हमारी सरकार में अगर अजय मिश्रा जी बाहर आए हैं तो हमारी सरकार ने बाहर नहीं किया, इस देश के प्रदेश की अदालत ने बाहर दिया, न्यायालय ने बाहर किया है, वही तो हम लोग कह रहे हैं, वही तो किसान कह रहा है, अब वही तो एक एक जनमानस कह रहा है उत्तर प्रदेश का कि भाई जिनके ऊपर FIR नामजद है, जो जमानत पे छूट के बाहर आए हुए हैं, जिनका इतिहास काला रहा है, जो जनमानस के बीच में एक धमकी दे रहे हैं और एक हफ्ते के बाद इस तरह का कृत्य हत्याएं होती है, तो होने दीजिए ना, बिना जांच के किसी को दोषी कैसे ठहराया जा सकता है? यहाँ तो मुकदमा हमारे देश में 3-4 साल तक चलता है और आप कह रहे हैं कि नहीं, एक हफ्ते के अंदर ट्रायल करके उनको फांसी दे दीजिए। तो प्रदीप जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की कानून, ये एक नया कानून बनाने जा रहा है कि अगर किसी का, अगर कल को मेरे घर में किसी की हत्या होती है और मैं आपके खिलाफ मुकदमा दायर करता हूं, तो क्या आपको जब जांच हो जाएगी तब पुलिस पकड़ के ले जाएगी? क्या आप ये कहना चाहते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कल से अगर किसी की हत्या होती है और किसी का परिवार अगर मुंजिम किसी के खिलाफ एप्लीकेशन देता है कि इसने मुझे मारा है, मेरे परिवार के भाई भतीजे को वीडियो देता है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि पहले कानून जांच करेगी फिर उसको गिरफ्तार किया जाएगा? अगर ऐसा है तो स्पष्ट करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि भाई इतिहास हिंदुस्तान का इस बात की जाएगी कि मंत्री वहां पर थे कि नहीं थे। मंत्री जी साफ कह रहे हैं कि हम वहां पर थे ही नहीं, उनका बेटा कह रहा कि वो भी नहीं, उनके पिता कह रहे वो भी नहीं था, और एक भी साक्ष्य सामने नहीं आया है। ये कौन कह रहा है जो पहले से हत्या कर चुका है? ये कौन कह रहा है जो पहले से हिस्ट्री सीटर रहा है? ये कौन कह रहा है? वो क्या साधु है, क्या संत है, क्या महात्मा है, क्या वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र भाई हिस्ट्री सीटर रहा है? तो लेकिन उसको विधायक और सांसद किसने बनाया? अरे तो आप, अरे विधायक सांसद का मतलब क्या होता है? उनको विधायक और सांसद किसने बनाया, मंत्री कैसे बन गए? विधायक, एक मिनट भाई साहब, आप चुप रहे हैं, कांग्रेस के मित्र हमारे चुप रहे हैं भाई साहब। अगर विधायक और सांसद, पांडे जी आपके पास आऊंगा जी, प्रदेश की जनता आपके पास भी आऊंगा, ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे, उदय जी के पास चलता हूँ। उदय जी, आप अनिल झा साहब बात हो गई आपकी, उदय जी आप बताइए कि आखिर विवेचना का टाइम तो चाहिए ना, क्योंकि अभी ये कोई साक्ष्य नहीं मिले कि मंत्री वहां पर थे कि नहीं थे, उनका बेटा वहां पर था कि नहीं था, जब तक ये प्रमाण ना मिल जाए कैसे ट्रायल होगा? देखिए दो चीजें बड़ी साफ है जी, अगर ये घटना किसी विपक्षी नेता ने की होती तो क्या पुलिस इतना टाइम लगाती? बिल्कुल बड़ा सवाल है, कतई नहीं लगाती, तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया होता, हो सकता है उसके परिवार वालों को भी कर लिया गया होता जिन पर आरोप ना होता। हाँ, ये आरोपी है, 302 का आरोपी है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये काम बात का होता है, जांच में दोषी है नहीं, ये कोर्ट का काम है। सीधी दूसरा जो ये बात है कि मुआवजा दे दिया, अगर मुआवजा देने से मामला ठंडा पड़ जाए, किसी की हत्या हो जाए उसको मुआवजा दे दिया जाए, तो इस तरह तो चलन शुरू हो जाएगा कि भाई हत्या करो पैसे दे दो, हत्या करो पैसे दे दो जी। धनवान व्यक्ति चाहे जिसकी हत्या कर देगा। अरे भाई कानून व्यवस्था इसीलिए बनाई जाती है, इसीलिए लोकतंत्र है कि हर व्यक्ति को जीने का हक है, अपनी बात कहने का हक है। जिस तरह से किसानों को कुचला गया
वो बड़ी साफ है कि उसे इरादतन उनकी हत्या की गई है, जानबूझ के की गई है। जब उन पर आरोप लग रहा है कि मंत्री के बेटे ने ऐसा किया तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये कोर्ट का काम है, अदालत का काम है कि वो अगर दोषी पाते हैं तो सजा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो इसलिए उठ रहे हैं कि जब वो उनके पिता, आरोपी के पिता खुद मंत्री हैं और उस विभाग के मंत्री हैं जो जांच एजेंसियां उनके अंडर में आती हैं, तो निष्पक्ष हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन लेकिन मंत्री होने का ये मतलब नहीं ना उदय जी कि जांच तो करनी पड़ेगी ना। जब वो कह रहे कि मैं वहां पर था ही नहीं, नहीं मेरा बेटा वहां नहीं था और इसका कोई प्रमाण नहीं है। कभी कोई आरोपी ये नहीं कहता कि मैंने ये किया, तो उसका तो प्रमाण देना पड़ेगा ना। हाँ, वो आगे होगा ना, वो जब जांच होगी तब प्रमाण देना होगा। अभी कभी कोई आरोपी नहीं, सीधा ये है कि मंत्री जी को त्यागपत्र देना चाहिए और कहना चाहिए मेरा बेटा दोषी नहीं है, वो अपने आप जांच में साबित होगा। जी, वो तो कहा मंत्री जी ने, नहीं लेकिन वो इस्तीफा दें। जी, जब तक इस्तीफा नहीं देंगे ये सवाल उठते रहेंगे। ठीक है, शबनम पांडे जी आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए, मैं जब बोलूं तो कम से कम और जो पैनल में बैठे हैं उन्हें भी कहिएगा जैसे शांति से मैं सुन रही थी वो भी सुने। अब पहली बात कि मुकेश जी ने कहा कि मुआवजा देना कोई केवल इसका समस्या का समाधान नहीं है। निश्चित तौर पे इस बात को पूरी समझती हूँ कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है हम कुछ भी देकर, आसिफ जी आपकी बात का जवाब लूंगा, आ रहा हूं आपके पास, हम कुछ भी देकर उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे खाली हाथ भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमेशा प्रदेश के हर नागरिक के साथ सरकार का खड़ा रहना जिम्मेदारी है और सरकार अपनी जिम्मेदारी और अपनी जवाबदेही को पूरी तरीके से समझती है और कार्रवाई करेगी। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर कि कहा है, ये आपकी बात ठीक है, मैंने पहले भी कहा सरकार ने जो कुछ भी किया तुरंत एक्शन हुआ, एक्शन के बाद में एफआईआर भी दर्ज हुई, न्यायिक जांच की कमेटी भी बनी, कंपनसेशन भी मिल गया, सब ठीक। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है क्या अगर एक आदमी ने ये अपराध किया होता तो इतना वक्त लगता, ना सिर्फ वो उस कल्प्रिट का बल्कि उसका पूरा परिवार लटका दिया जाता। हेल्पलाइन नंबर दिया जिसपे कि किसी के पास कोई वीडियो हो, जो लोग शोर मचा रहे हैं कि मंत्री जी वहां थे, उनका बेटा वहां थे, अगर एक भी वीडियो उनके पास है हेल्पलाइन नंबर पे, निश्चित तौर पे आप डालें। नंबर का पुलिस को रिकॉर्ड मिल जाए और उसके बाद वो सबूत खत्म कर देगा। क्या है ये डिबेट, मतलब गृह मंत्री के पास सबूत जो है वो आपको देने हैं, उसको खत्म कर देंगे। बिल्कुल बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे, आपको मौका दूंगा, रुकिए, आ रहा हूं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। आसिफ जी आप किसानों की हत्या करेंगे और हम बोले ना, आप चुपचाप सुन लीजिए पहले, हत्या करवाई है आपकी पार्टी ने, सुनना पड़ेगा आपको, हत्या रहे हैं आप लोग, आपकी पार्टी खाने लायक नहीं है आप लोग, किसानों की हत्या करके उनको खरीदता नहीं बोलते आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोग को, पूरी भारतीय जनता पार्टी निर्लज शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, फुल्लू भर पानी में डूबोगे तो पानी कम हो जाएगा। जवाब तो ना, आप बात का जवाब तो भाग क्यों रहे हो आप लोग, भगाओ आप लोग, निर्लज्ज हो, बात का जवाब नहीं दे रहे। इंटरनेट बंद करके आप कहते हो कि आपको व्हाट्सएप करें, इंटरनेट बंद करके आप व्हाट्सएप मांगते हो, गृह मंत्री के खिलाफ आप कहते हो कि हम आपको व्हाट्सएप करते हैं ताकि आपकी पुलिस जाके हमें बंद कर दे, दरोगा को एसएसपी को पकड़ने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, और कहते हो गृह मंत्री के बच्चे को पकड़ लेते, पहले गृह मंत्री को इस्तीफा दो, गृह मंत्री को पहले इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्लज है, निर्लज होता है और ये लोग अपनी राजनीतिक लोटियां सीखते हैं, सिर्फ इन्हें किसी के मजदूर जनता से कोई मतलब नहीं, जनता का हित चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्लज है, गोरखपुर के दरोगा को नहीं पकड़ पा रहे हो, मोहब्बा के एसएसपी को नहीं पकड़ पा रहे हो और झूठ बोल रहे हो कि साहब आप गृह मंत्री के बच्चे को पकड़ोगे, अरे गृह मंत्री को सलूट मार रहे हो और कह रहे हो लड़के के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज देखा था एयरपोर्ट का फोटो, तुम्हारा कप्तान पीछे पीछे तुम्हें लाके घूम रहा था और दरोगा चार्ज करेगा, दरोगा दरोगा कहेगा ऐसा गृह मंत्री के लड़के को हम बता लेंगे, लेकिन अगर झूठ की इंतिया कर रहे हो आप लोग, तो वो भी अगर मंत्री भी है तो उनका भी अधिकार है अपनी बात रखने का, ये नहीं कि आप विपक्ष में हैं तो आप किसी बोलने का मौका दीजिए, चुप रहिए, इनको मैं जवाब दे रहा हूँ, लोग के हिसाब से जानकारी नहीं है इनको, आपके
झूठ बोल रही है चैनल पे बैठ के। पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठी है। प्रियंका गांधी को बंद कर सकते हो लेकिन उसमें कोई जांच नहीं होगी। प्रियंका गांधी को बंद कर लोगे उसमें जांच नहीं होगी। विपक्ष के सारे नेताओं को बंद कर लोगे उसमें जांच नहीं होगी। गृह मंत्री के लड़के को भी पहले जांच होगी। शर्म नहीं आ रही है। निर्लज झूठी है भारतीय जनता पार्टी। दरोगा को पकड़ने की हैसियत नहीं है। गोरखपुर वाले दरोगा को पकड़ने की हैसियत नहीं है। सरकार की क्या पकड़ेगी है गृह मंत्री के बच्चे को, मंत्री के बेटे पे। और जब भी प्रदीप जी शांत कराइए इन लोगों को और कुछ मुद्दे की बात करिए। ये बेवजह की बहस करते हैं। जब आप दरोगा के लड़के को जब दरोगा को पकड़ने की हैसियत नहीं है तो शबनम जी ने आपकी बात का पूरा जवाब भी दे दिया है। शबनम जी आप भी रुकिए, दोनों लोगों के पास आ रहा हूँ। मुकेश सोलंकी जी के पास चल रहा हूँ। मुकेश सोलंकी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। गोरखपुर के दरोगा को पकड़ने की सरकार ने किसानों का हित देखा है, मजदूर का हित देखा है। हमेशा से किसान और मजदूर का शोषण होता आया है। अपनी पूरी बात रख ली। मुकेश सोलंकी जी की बारी है। मुकेश जी अपनी बात रख लीजिए। आजादी के बाद किसान का शोषण होता आया है, दबाया गया है। आसिफ जी आप रुके, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। दबाया गया है और कभी भी किसान और मजदूर को केंद्र में रखकर ना किसी सरकार ने नीति बनाई है, ना उनके हित के लिए कोई कदम उठाए हैं। जो सरकार सत्ता में होती है वो किसान और मजदूर का यूज करती है और कुछ नहीं करता। मैं इन कांग्रेसी भाई से भी पूछता हूँ कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट 2006 में इन्होंने बनवाई थी, 2009 में वो रिपोर्ट इन्होंने भी लागू नहीं की। क्या आपके पास कोई ऐसा वीडियो है? मुकेश सोलंकी जी सवाल सुनिए, क्या आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिसमें मंत्री का बेटा दिखाई दे रहा हो? देखिए ये तो विवेचना का विषय है। मंत्री का बेटा मुझे, मेरे पास ऐसा कोई वीडियो नहीं है, लेकिन जो वीडियो है वो साफ इंगित करता है कि ये जान पूछ के और किसानों को, जो निर्दोष किसान वहां आराम से प्रदर्शन कर रहे थे उनको जान पूछ के हिट किया गया है। सवाल ये है ना कि क्या उन गाड़ियों में मंत्री का बेटा था या नहीं था? तो मैं कोई प्रशासन थोड़ी है मेरे पास। हालांकि अभी तक वो उसकी ऑथेंटिसिटी की जांच पूरी नहीं हुई है। निष्पक्ष विवेचना कराएं, उससे साफ क्लियर हो जाएगा मंत्री का बेटा कहाँ है। आज बहुत सारी तरकीब है, बहुत सारा सिस्टम है। जांच एजेंसी मत बनिए ना। मैं जांच एजेंसी कहाँ बन रहा हूँ? लेकिन जांच एजेंसी तो गृह राज्य मंत्री के पास है ना, वो पदमुक्त क्यों नहीं होते? क्या वो निष्पक्ष जांच कराएंगे अपने बेटे के प्रति? वो तो खुद कह रहे हैं, खुद वो उसकी कमाई कर रहे हैं। अगर आज आप मुझे मुझ पे आरोप लगा दे तो बगैर आरोप सिद्ध हुए मैं इस्तीफा दे दूं। शबनम जी जब वो बेटे की गाड़ी वहाँ पे है, बंद शीशे में गाड़ी में कौन उसके अंदर है, किसको पता है? एक बात बताइए, एक गाड़ी जब 80 की स्पीड से जा रही है, जो चीज स्पष्ट है आप उसको नहीं मान रहे, गाड़ी के अंदर कौन बैठा हुआ है इसको कैसे मानोगे? जी बात हो गई आपकी, आप शांत हो जाइए। शबनम पांडे जी आप भी रुकिए। आसिफ रिजवी साहब आपका फाइनल कमेंट है, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। जी मेरे कहने का मतलब है, इन्हीं ने जिनके खिलाफ जांच कर ली है, मोहब्बा के एसएसपी के खिलाफ, गोरखपुर के दरोगा के खिलाफ, उनको तो ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर जांच में ये बात साबित भी हो जाएगी साहब कि उसका लड़का है तो ये पकड़ने कैसे हैसियत रखेंगे? दूसरी बात ये है कि एमबी एक्ट के हिसाब से अगर गाड़ी का जो मालिक है, देखिए कितने बोलने लगे तो लिखे एमबी एक्ट के हिसाब से जिसके नाम गाड़ी है वो मुलजिम रहेगा। गाड़ी मंत्री के नाम है, मंत्री मुलजिम है, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एमबी एक्ट के हिसाब से गाड़ी का मालिक मुलजिम हुआ। अगर मेरी गाड़ी का एक्शन गाड़ी बनूंगा तो मेरे लिए लॉ अलग है और मंत्री के लिए लॉ अलग है। अगर लाइसेंसी ड्राइवर चला रहा है तो बिल्कुल ठीक बात। सबनम पांडे जी प्रदीप जी, अरे गाड़ी जिसकी है जिसके नाम से दोषी वो भी तो होगा ना। गाड़ी का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया है पर नहीं है तो उस पर 302 का मुकदमा नहीं चल सकता। जो मेरी बंदूक लेके कोई हत्या कर देगा मैं मुजरिम नहीं हूँ।
दस दिन पहले कह रहा हूँ कि बंदूक से गोली मार दो और मेरी गोली से कोई मेरी बंदूक से हत्या कर देगा। मैं राजीव गांधी ने बोला कि पेड़ गिर जाते हैं तो धरती हिलती है, सिक्कों को मारा जा रहा था, तो क्या राजीव गांधी आपको नहीं किसान की बात सुन रहे हो? राजीव गांधी ने सिक्कों को मारने का कोई नहीं किया, क्यों नहीं 302 पे चला? सोनम पांडे जी गलत दिशा में जा रहे, रुकिए अब आप रुक जाइए। अनिल शाह साहब आपका फाइनल कमेंट, अब आगे आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है? अखिलेश जी बहराइच और लखीमपुर हो रहे हैं, अब क्या करेंगे? अनिल झा साहब जी, प्रदीप जी, इस सरकार से और इस शासन प्रशासन से तो ना उम्मीदी है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं न्याय जिंदा है। आदरणीय सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल भी कहा था और आज तो स्पष्ट रूप से कहा है उत्तर प्रदेश के शासन को कि आप जल्द से जल्द जिनके ऊपर एफ आई आर दर्ज हुई है उनको गिरफ्तार करें। और हमें हम लोगों को उम्मीद है और उम्मीद रखना चाहिए क्योंकि हम लोग आशावादी लोग हैं कि जल्द से जल्द दो दिन के अंदर, मुझे लगता है कि 24 घंटे 36 घंटे के अंदर अजय मिश्रा के बेटे जेल जाएंगे, निष्पक्ष जांच होगी और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर अजय मिश्रा जी बहुत जनमानस के बड़े नेता हैं, वो दो बार से सांसद रहे हैं, उसके पहले जिला पंचायत रहे हैं और जितनी थू उनकी हो रही है, उनकी सरकार तो नहीं चाह रही है कि उनसे इस्तीफा ले, धक्का मार के बाहर करें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो इस वक्त अगर वो नैतिकता के आधार पर अपने जनमानस की बात को मान के अगर वो त्याग पत्र दे देते हैं और बड़ी होके आते हैं, हो सकता है इससे बड़ा विभाग उनको केंद्र के राजनीति में मिल सकता है। और रही बात अगर सरकार ठीक है, नैतिकता यहाँ बची कहाँ, दिक्कत ये है ना सरकार, ठीक है अनिल साहब बात हो गई आपकी, अरे उदय जी हो गई सबकी बात हो गई। उदय जी आपका फाइनल कमेंट भाई, आपको लगता है कि अब क्या होना चाहिए क्योंकि गाड़ी मंत्री जी की, आसिफ रिजवी साहब करें गाड़ी मंत्री की है और उनकी गाड़ी से ये सारा कांड हुआ है तो वो भी दोषी हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, इसका मतलब है अगर पुलिस जल्दी गिरफ्तार नहीं करती दोषी को तो मुख्यमंत्री ने इस सरकार ने जितने जनहित के काम किए हैं, जिनसे उन्हें ख्याति मिली है, जिनके बूते वो चुनाव में जाना चाहेंगे, वे सारे के सारे धुल जाएंगे और विपक्ष को सड़कों पर उतरने का मौका मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने उस दिन भी पूरे प्रदेश में जिस तरह प्रदर्शन किया, प्रियंका गांधी ने पूरे प्रदेश में एक राजनीति को जिस तरह गरमाया, ये और होगा। राकेश टिकैत चेतावनी दे चुके हैं कि अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं, मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो 12 तारीख के बाद किसान भी आंदोलन करेंगे, इससे तो स्थिति बीजेपी के खिलाफ और ज्यादा बिगड़ेगी। योगी जी के जो काम हैं, जो उन्होंने बेहतर किए हैं, वे सब भी पीछे चले जाएंगे, तो मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे कि भाई उनकी इमेज खराब हो। पुलिस को चाहिए कि जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें, नहीं तो फिर विपक्ष का काम है आंदोलन करना और चुनाव के समय विपक्ष का आंदोलन करेगा तो सत्ता सरकार मुश्किल में पड़ जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात बिल्कुल ठीक है कि अब तक जो 4 साल 4.5 साल के काम है, जो विकास के काम हुए, मुख्यमंत्री की जो ईमानदार छवि की बात यहाँ पर की जा रही है, ईमानदार है वो, और उन सब पर पानी फिर जाएगा अगर जो मुख्यमंत्री की इच्छा है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ये नहीं होता है तो विपक्ष को मौका मिलेगा और विपक्ष इस मुद्दे को कतई छोड़ने के मूड में नहीं है, एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरत है आज की कि अभी जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको सजा दी जाए, इससे सरकार की छवि भी बनी रहेगी, सरकार का इकबाल भी कायम रहेगा और वो सुप्रीम कोर्ट को भी संतुष्ट कर पाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया और हमारा अगला कार्यक्रम मंथन देखना ना भूलिए।